ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी की सफाई और जीर्णोद्धार को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने पर नगर निगम कमिश्नर को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। ग्वालियर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में स्वर्ण रेखा नदी की सफाई को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित आर्या और विनोद कुमार द्विवेदी ने स्वर्ण रेखा की सफाई पर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, मिस्टर कमिश्नर, आप इस मसले पर अवेयर नहीं है, आप स्टोरी न सुनाएं, आप प्लान दे दें कि कैसे स्वर्ण रेखा नदी को वापस मूल रूप में लाया जा सकता है। दरअसल हाई कोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की, लेकिन ग्वालियर नगर निगम ने स्वर्ण रेखा नदी के वापस मूल स्वरूप में लाने की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की वजह हाई कोर्ट में स्वर्ण रेखा नदी की सीवेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर दी। नगर निगम ने हाई कोर्ट में तर्क रखा कि स्वर्ण रेखा नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल करने के प्रस्ताव को शासन को भेजा है। इस लापरवाही के बाद हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इसके अलावा वन विभाग के DFO को भी स्वर्ण रेखा नदी के आसपास पेड़ पौधे लगाने के निर्देश पर अमल न करने को लेकर वन विभाग के DFO अंकित पांडे को भी फटकार लगा दी। हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के आसपास उसके संरक्षण और हरियाली के आदेश की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने में टालम टोली करने पर कड़ी टिप्पणी की। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष जो है ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जो एक समय में ग्वालियर की जीवन दायिनी हुआ करती थी, आज वो नाला है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए वो पूरा मामला चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पेश होते हैं। माननीय न्यायालय ने बार बार सुनवाई के दौरान मसौदा मांगा है कि किस तरीके से इस नदी को रीडेवलपमेंट किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी ठोस मसौदा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, स्मार्ट सिटी के हों, CWC के हों, वन विभाग के हों, जल संसाधन के हों, कोई भी मसौदा पेश नहीं कर पाया है। पहले इन लोगों ने सरकार को गुमराह किया 450 करोड़ से ज़्यादा इस नदी पर सुंदरता के नाम पर, अब ये न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और न्यायालय ने इस बात को लेकर इन्हें फटकार लगाई और स्पेशल नगर निगम के कमिश्नर से ये बोला है कि मिस्टर हर सिंह, आपके आज तक आपके बुद्धि पर ताला लगा हुआ था कि अब आप स्टोरी मत सुनाइए, खास स्पष्ट मसौदा पेश कीजिए, आप काम आप नहीं करते हैं और सरकार बदनाम होती है, केंद्र की सरकार बदनाम होती है, इस तरीके से टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप कटोरा लेकर भीख मांगिए, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी के आसपास उसका संरक्षण करिए, एक विस्तृत प्लान बनाकर वहां वृक्षारोपण करिए। हाईकोर्ट के आदेश को नगर निगम की तरह वन विभाग ने भी हवा में उड़ा दिया था। दरअसल ग्वालियर के एडवोकेट विश्वजीत रातोनिया ने स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली को लेकर एक पिटीशन दायर की है। इस पिटीशन पर लगातार हाई कोर्ट संज्ञान लिए हुए है। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने नगर निगम से स्वर्ण रेखा का विस्तृत प्लान मांगा था, जिसमें नगर निगम द्वारा बताया जाना था कि क्या क्या काम करके स्वर्ण रेखा नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसमें साफ पानी कैसे बहाया जाएगा। माननीय न्यायालय ने इसी के साथ ग्वालियर वन विभाग के जो DFO हैं, जब उनसे कार्य का विवरण मांगा गया तो वो कार्य का विवरण पेश नहीं कर पाए और उन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में बताया कि हमने एक रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जिसको न्यायालय ने मांगा तो वो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष भी पेश नहीं कर पाए और उनसे कहा, जब उनसे आगे इस पर विवरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर DFO को समझाने का काम किया और DFO से बोला कि आप चैरिटी खोल लीजिए, आप भीख मांगने का काम कीजिए अगर आप सरकार के पास पैसा नहीं है। मतलब एक तरीके से आप देखें, पहले सरकार को गुमराह किया, अब न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। न्यायालय बार बार रिपोर्ट मांग रहा है और न्यायालय ने इस बार जमकर फटकार लगाई है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम बिना आदेश पारित किए 17 तारीख को इसको दोबारा सुनेंगे और अगर आप 17 तारीख को इस पर खास मसौदा, ठोस मसौदा पेश नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी जो अब नाले में तब्दील हो गई है, उसे वापस नदी बनाने को लेकर जद्दोजहद की जा रही है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 17 जनवरी को की जाएगी, जिसमें हाईकोर्ट ने संबंधित सभी अधिकारियों को ठोस दस्तावेजों के साथ बुलाया है। बताया जा रहा है कि अगर अगली सुनवाई पर सकारात्मक जवाब अगर अधिकारी कोर्ट को नहीं दे पाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।